चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मैनपुरी, वहां पर रघुराज शाह के पहुंचे हुए हैं नॉमिनेशन के लिए। तस्वीरें वहां से आ रही हैं, आपको दिखाएंगे। नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बड़ा छोटा, बड़े को छोटा हल बना देती है, नहीं बना देती। जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत है। चलिए उनके परिवार के अलावा कुछ है उनके बताइए, पत्नी और वही। उनका नहीं, जनता का। जी जनता का अपमान है, वास्तव में अपमान है। मैनपुरी की जनता है उसे किला कहते हैं। जनता की, मैंने कहा जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है। जनता जिसको चाहे वो सिर पे बैठाने का काम कर गद्दी देती है, जनता चाहे नीचे उठाने का काम कर देती है। देखिए इस बार जो मैंने कहा 8 तारीख को आजमगढ़ से जीत रही, रामपुर से जीत रही, नहीं कि जीती बताइए, गोला से जीतने का काम कर रही। तभी चुनाव तो आने, चुनाव आ गया, अब जनता जवाब देगी आपके सामने। 8 तारीख मतदान होगा। ये जनता से पूछने का, मैंने कहा ग्राफ गिरा कि नहीं गिरा, लास्ट से लेके ग्राफ गिरा है, जनता नहीं तो गिराया ग्राफ, अब सामने आएगा। चलो भाई चलो। को आपने सुना, नामांकन करने के बाद वे बाहर निकले हैं और जनता सर्वोपरि है, जनता जिताने का काम करेगी, यह दावा उन्होंने किया है। मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाके ने नामांकन कर दिया है, जनता जिसे चाहेगी जीत उसी को मिलेगी, ये रघुराज शाके ने कहा है। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर वे गए थे, वहां नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद वे पहुंचे नामांकन करने और नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं। कहा है कि जनता जिसे चाहेगी उसकी जीत होगी, रघुराज शाके ने ये बयान दिया है नामांकन के बाद। इस तरह से देखते हैं नेताजी का भावनात्मक लगाव रहा मैनपुरी की जनता से, अब नहीं है, और अब कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से हो गई सर, अब दो मिनट बात कर लो, फोकस हो गया। हाँ, मीडिया से बात करते हुए रघुराज शाके ने ये बात अपनी रखी है कि जनता सर्वोपरि है, जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी। नेताजी, सियासत की विरासत वर्सेस बीजेपी की चुनौती, कैसे देख रहे हैं इस बार मैनपुरी का इस इलेक्शन? एक गरीब किसान के बेटे की पूंजीपतियों से लड़ाई है, जो उन्होंने नॉमिनेशन भरा है उसमें भी करोड़ों रुपए की संपत्ति दिखाई है, जो लिखा पढ़ी में है, बिना लिखा पढ़ी कितनी है मालूम नहीं। तो गरीब की और अमीर की लड़ाई है और गरीबों का पल्ला हमेशा भारी रहता है। 96 से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और ऐसे में इस बार क्या लग रहा है आपको कि आजमगढ़ और रामपुर इलेक्शन वाई इलेक्शन आपने जीते हैं, जो समाजवादी गढ़ रहे हैं और आखिरी गढ़ है, ये आखिरी दुर्ग है ये समाजवादी पार्टी का, इस दुर्ग को ढाना चाहती है बीजेपी? मोदी जी के ऊपर जनता का आशीर्वाद है, देश की जनता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।